बाघ प्रभावित क्षेत्र, क्योंकि यहीं पर ही बहुत ज्यादा बाघ के हमले बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरे सामने कितने सारे हिरन हैं, ये तो चुग रहे हैं, निश्चिंत बहुत ही सारे भाई आज। हाँ ये बात है, वेलकम बैक टू दिस चैनल, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल बेहतर होंगे। और अभी निकलने की हमारे यहाँ से तैयारी हो चुकी है फिर से। अभी एक्चुअली अपनी गाड़ी मतलब अपनी चेंज गाड़ी अपनी जो थोड़ी सी ना वो थोड़ी चेंज करके लेके जाते हैं, एक दिन हार और किसी दिन कोई सी तो अलग अलग तरीके से जाते रहते हैं। तो मज़ा है। अभी देखो जरा लाइट क्या सीन लाइट को भी कुछ ना कुछ हो गया है। तो अभी मैं तो आ चुका हूँ और बाकी सब जने भी आने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं निकलते हैं, अभी यहाँ से डायरेक्ट मिलूंगा आज मैं आपको अपना चाय वाले ठेके पे, मतलब चाय वाली दुकान पर जहाँ पे हम बैठते हैं वहीं पे आज डायरेक्ट मिलूंगा, क्योंकि आज ज़रा थोड़ा सा लेट है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे आज। फाइनली अभी पहुँच गए हैं कैंटीन पे जहाँ पे हम रुकते हैं, और देखते हैं जरा बताते हैं फिर आगे। हमारा कॉर्बेट में टाइगर विजिटिंग का दिन, और आज हमारे साथ हमारे सब भाई लोग, मनीत आ गया हमारा, नवाब भाई, कासिम भाई, अनवर भाई सामने बैठे हैं, हमारे अमित भैया, हमारे कनिष भाई, और रीशु हमारा उपाध्यक्ष लोंडा, और हमारे भाई, और हम भी हैं आप सब अपना भाई। आज सब लोग आ गए हैं सब यहीं पे। हम जाएंगे अभी थोड़ा सा जरा आगे, और भाई सब लोग जाएंगे जरा वापस यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा जरा अपना कॉर्बेट घूमने का टाइम हो चुका है और आग यहाँ पे जली रही है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, और आप देखोगे ना तो सरप्राइजिंग देखोगे एकदम। और आज हिरन नहीं है इधर, हाँ चोट लगी हुई हिरनों के इधर लग रही है, खदेड़ दिया हिरनों को यहाँ पे। हाँ जिस तरह के होता है उधर हिरन बहुत रेयर मिलता है। हाँ खदेड़ दिया इन्हें यहाँ पे, तो यहाँ पे हजारों हिरन होते हैं। यहाँ जो सब खड़े ही रहते थे, लाइन बारी से दिखते थे हमें, तो बहुत करेक्ट टाइमिंग है। 12:15 की टाइमिंग हो रही है रोहित भाई, 11:35 की। उस दिन भी अपने को इतने टाइम पे दिखा था, उस टाइम तो 12:30 के बाद दिखा था, नहीं 11:49 नहीं 11:49 पे दिखा था मैं। यानी कि पब्लिक का आवागमन तो भी है यहाँ पे, तो है लेकिन दिन में नहीं करता वो इतना अटैक। तो ये शाम के टाइम, अच्छा हाँ दिन छुपे ही तो कर रहा है उसने बिल्कुल। ये क्या करता है वो, दिन में सोता है, दिन में रात्रि चढ़े ही जानवर, शिकार जो होता है रात में ही होता है इनसे। पानी का टैंक भी खड़ा कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, देता बजरी भी होगा। हाँ जाना वाला है, अभी तीन जने बाइक से आ जाओ, अभी मिल जाएगा। पीछे कौन बैठे हो तुम, यही पता नहीं चलेगा कि आया कहाँ से, बार मिलेगा जरूर जाओ। सुन लेता हूँ यार, ये शराब पीते हुए जाओगे तो कुछ ना कुछ हम लोग जाओगे नहीं, नहीं निकल जाएगा जो इस पे। अरे बाइक वाले को भी एकदम से टेक नहीं करेगा वो, जब तक रुकोगे नहीं तुम। लेकिन वो यार घंटों लोग बना के अपनी महफिल जमा रहे हैं। मैं बताऊं तुम, बाइक वालों जो बाइक वालों पे भी टेक नहीं करेगा एकदम से, हाथी की लीद भैया। और ये इसके सड़क बनने के बाद ही बनी है लीद, ये यानी हाथी भी आया हुआ यहाँ पे। वो जो है जी अटैक करता है तो अटैक करता है रुके हुए पर, हाँ जब इंसान वही उतरा हुआ है बाइक से चलते हुए 20 मिनट रुक लिया हो बैठ के वहाँ पे, चलते हुए पे नहीं करेगा एकदम से अटैक, ना ज्यादा पे करेगा। ज्यादा जने होते हैं जैसे रोड़े डाल रहे हैं कर रहे हैं, लाइट जल्दी नहीं करेगा वाली नहीं आई अभी, ये तो आ गई भैया कुछ अलग तरीके से आज जरा दिखा रहे हैं बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि आपके जितने भी पीवर्स हैं वो देख लें इसे, दूर तक ऑफरोडिंग करनी पड़ जाती है। हाँ? कभी कभी तो दूर तक ऑफरोडिंग करनी पड़ जाती है, देखना पड़ता ना यार वहाँ, और ऐसे अगर सीधे निकल जाओगे तो कहीं दिखेगा फिर यहाँ पर। आसिम भाई जो है वो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, नवाब भाई देख रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ, भैया भी राइट हैंड साइड, अबरार भाई भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मैं देख रहा हूँ सीधे क्योंकि टीम वर्क की तरफ देखा जा सकता है। मैं शिकार को लिए हुए हो, अच्छा हाँ अगर ऐसा हो गया तो ऐसा 110% आप कर लोगे जरूर, ऐसा भी हो भैया आप साथ में हो तो फिर तो दिखेगा ही दिखेगा। आज गाड़ी के मुकाबले आज गाड़ी भी नहीं दिख रही अपने को कुछ,
जरा मेन एरिया आ गया, जरा लाइट बंद करता हूँ और विदाउट लाइट वाला ब्लॉग देखना आप। लिखा है बोर्ड पे एक है ना, बिल्कुल आगे रोड पे देख के भी रखना। मैं देख रहा हूँ आगे बिल्कुल रोड पर से भी पता है। मैं देख रहा हूँ भैया रोड पे आज रोड पे निकलता है भाई। यहाँ पर थोड़ा सा चांसेस है आज बाघ दिखने के, जो कि पता चल रहा है। मुझे पूरे पूरे लग रहे हैं आज, मुझे भी चांसेस लग रहे हैं भाई। कैसे लग रहा है भाई तुम्हें भी? मुझे भी लग रहा है भाई आज, मुझे तो पहले से ही लग रहा है आज। हमारे नजर पे ऊपर है उसका पड़ जाए है तो रोड के किनारे तो चल भी सही रहे ना। बिल्ली का बच्चा भी होगा तो वो भी नहीं छुपेगा। अरे उस दिन, अरे उसका छुपने का जो स्टाइल होता है ना बाज की नजर से देखना पड़ता है उसको। उस दिन भी ऐसा थी बात उसकी इतनी गजब। ये शॉर्ट फिल्माने के लिए ना डिस्कवरी वाले भी लाखों खर्च कर देंगे, मिलता नहीं। लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे भाई। यहाँ पर है क्या कुछ? पीछे दिखा कुछ लगा आपको? अच्छा झाड़ियाँ वाड़ियाँ हिल रही थी वो। बाघ आ गया वो तो फिर बाघ का यही हो गया फिर तो सामने ना, नहीं सकता। भी ऐसा ना, लेपर्ड तो उसके साथ भी रह लेता। एक टाइगर का नाम है कतर फिल्म टाइगर का नाम है नक्की। इसके बाद से दिख सकता ना वहाँ बोल भी है। इसके बाद तो 100% वाला इलाका हो जाता। 20% चांस यहाँ पे 20% चांस है, पीछे है आगे आगे है 80-90% चांसेस। पहले भैया यहाँ पे भी टस्कर देख चुका हूँ मैं। टस्कर तो भैया है, टस्कर कॉरिडोर है तो टस्कर। यहाँ पे टस्कर भी देख चुका हूँ दबा के मैं। टस्कर ऐसा नहीं मिलता ना शर्म आते हुए। टस्कर को तो अगर आना है रुको, उसका बाप भी नहीं रुकेगा। वो क्यों रुकेगा? वो तो सड़क पे बैठ जाता है भाई। थोड़ा सा ना एज तो नहीं लेकिन वो मैनिटरी है वो। हाँ। रोड उसकी स्थिति लग रही है ऐसी, वो खतरनाक लगा। और वो गया भी ऐसी स्टाइल में था अंदर। मतलब इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते तुम। अभी आऊंगा निकलगा साहब 15 मिनट में, फिर आऊंगा। अभी शिकार तो कर गया हो उस दिन। हाँ। वो बाइक वाला कोई घात लगा रहा होगा। हाँ भैया हो सकता है। वो जो बाइक वाले रहा ना वो नहीं बचते भाई साहब। वो इधर को मुंह करे हुए था ना। हिरन तो कदम इंतजार कर रहा था आ जाएगी तो ठीक है ना, तो रोड बाइक वाले तो आसानी से मिल जाते। एक बंदे को खा जाता वो 80 में ही पकड़ लेता वो, इतना मुझे पता है। जब मार, अरे पहले झपट्टा मारता वो गिर जाती बाइक में। अरे बाइक तो कहां आ रही। अब उसको पता चल गया ना बाइक पे शिकार कैसे करना। जब उसे एक बार टेक्निक पता चल जाती तो फिर तो वो पेल ही देता। उसे पता चल जाएगा मैं जिराफ को मार दूंगा या हाथी को। तैयार हो जाओ बाघ देखने के लिए। मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल रेडी बैठा हूँ। और आज तो आराम से मारा करो। उम्मीद भी ऐसी लग रही है कि आज चांसेस हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चांसेस। इस मोड़ पे मुझे ऐसा लगता है कि मोड़ पे बहुत चांसेस होते हैं। सडनली वो भी एक्सपेक्ट नहीं करता कुछ आएगा। लाइट देखो कहाँ तक जा रही है यार। हर कोई यही बताता है कि वो इस जगह पे। हाँ इधर ही बताता है हर कोई यही बताता है। और हमें खुद भी लाभ तो टाइम 11:48 हो रही है। हाँ बताए हुई बात चलो मान लेते हैं अहंकार। वो तो देखी हुई बात है।
दिख रहा है पेड़ के पास क्या है, बोर्ड के पास अच्छा हुआ है थोड़ा देख कर इधर लेना लेफ्ट साइड बहुत साफ है ना बिल्कुल क्लियर पूरी तरह से तुम उधर बोले लेफ्ट साइड तो राइट साइड में यहाँ पे भी लिखा है कॉरिडोर मार्क यार यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेला लगता हुआ ना सफाई कर रहे हैं सफाई ये जो है ना यहाँ फोटोग्राफी वाला व्यू है ये जंगल का लोग उतरते हैं यहाँ बस यही चक्कर भारी पड़ लिया तभी फैल गए आठ दिन पहले तो खाएगा बंदा उसने यानी कि हर आदमी को पता है इस बारे में रामनगर का गाड़ी कम है ना ना के बराबर है शादी भी खत्म ही हो गई मुझे लगा वो सामने सीधे सीधे करो और सीधे दूरी जाने पे बात लग जाता है जैसे कुछ ना कुछ है यहाँ पे आगे हिरन खड़े हैं वो देखो हिरन खड़े हैं वो देखो बहुत सारे हिरन हैं बस सीधे हैं बिल्कुल सीधे हैं बिल्कुल सीधे बिल्कुल सीधे हैं बिल्कुल सीधे हैं बहुत सारे हिरन खड़े हैं और बहुत ही सारे हैं हिरन बहुत ही सारे हिरन यही यहाँ पे कहीं भी हो सकता है बाघ कहीं पे भी हो सकता है यहाँ पे यहाँ पे हर जगह बाघ के लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इम्पाला बोला यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि उल्टे हाथ पे सारा हिरन ही हिरन बैठा है सारा हिरन ऐसे देखो उधर को सांस तक की आवाज नहीं आ रही यहाँ पे ये हाथी गिराते हैं वो मिलता ही यहाँ पे सबको यहीं पे मिलता है यहाँ से वापसी मोड़ रहे हैं अपन लोग और यहाँ पे सारी लिखा हुआ देखो बाघ प्रभावित क्षेत्र क्योंकि यहीं पर ही बहुत ज्यादा बाघ के हमले बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ये देखो ये सामने लिखा हुआ है वन्य जीव भरित क्षेत्र बाघ प्रभावित क्षेत्र वाहन से ना उतरे यहाँ पे साफ लिखा है और अगर कोई उतरता है तो भैया फिर उसमें उसकी खुद की गलती होगी ये वन विभाग की कोई गलती नहीं होगी इसमें अभी तो हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं वन विभाग वाले बेचारे को ट्रेनिंग थोड़ी दे रहे हैं जंगली जानवर को बल्कि उन्होंने तो अपनी ड्यूटी इतने अच्छे से निभा रहे हैं और लोग के मतलब बाघों की संख्या वो ज्यादा हो गई दिखा दे कुछ जैसा ना वो टाइगर भी पत्थरों जैसे होता है ना हाँ उस दिन भी तो हमें पत्थर ही लग रहा था वो भैया ने देखा था वो तो हमें तो पता भी नहीं चलता है अपने को हिरन नहीं भागते गाड़ी पता नहीं देती
दिख जा मेरी जान। ये जो बाघ होते हैं ना, आपको स्ट्रेच जो करते हैं पेड़ों पे इतना नाखून कर करके करते हैं, बिल्ली भी ऐसी करते हैं। देख रहे हो सामने कितने सारे हिरन हैं। ये तो चुग रहे हैं, निश्चिंत बहुत ही सारे भाई आज। हाँ ये बात है, आज निश्चिंत होकर चुन रहे हैं। देख क्या मतलब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शिकार विकार कर लिया। देखा एक आधे दिन के लिए वो बैठ गया चुपचाप, तो नीचे डाले पड़े हैं। आज इनको फर्क नहीं पड़ रहा। देख ना सो के देख रहे हैं, तो आप देख रहा सीधे हाथों को। ये तो नवाब आज ऊपर भी ना देख रहा, तू कह रहा देख रहे ऊपर। तो इन्हें आज तो खा रहे हैं, चुपचाप खा रहे हैं आज। आज है नहीं, तो भैया इन्हें तो मतलब है नहीं यहाँ पर। भैया इतना बेफिक्र हिरन नहीं देखा मैंने, इतना नहीं आता भाई। वो थोड़ा बहुत तो देखता ही ऊपर नीचे, वो सीधी बात तो ये है। दो सेकंड नहीं लगनी उसे। अलग वाले को तो सबसे पहले पकड़ता। तो चल रहे हैं जरा वापसी अभी अपनी जरा चाय की दुकान तक, और हो सकता है कि दोबारा रुक के चाय पिए हैं भैया मन है तो अब चाय पियेंगे और बताता हूँ आगे का सीन क्या है, या फिर हम वापस काशीपुर जाते हैं तो भी देख के बताता हूँ। लेकिन आज लग रहा था ऐसा कि शायद बाघ दिखेगा, आज दिखा नहीं।